सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं और उनसे निपटना है और उनसे निपटना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने हेमंता को घेर लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा को पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर टिप्पणी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि देश के साथ साथ अमेरिका से भी उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी हेमंता के खिलाफ खबर छापी है। हेमंता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है कि भारत के एक नेता ने बराक ओबामा और भारत के मुसलमानों पर निशाना साधा है। इधर हेमंता विश्वकर्मा की हुसैन ओबामा की टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के सचिव जयराम रमेश ने भी विश्वकर्मा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हेमंता विश्वकर्मा की टिप्पणी ने अमेरिका में पीएम मोदी के दावे को कम कर दिया कि भारत में कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं है। एनसीपी ने भी इस बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा को हुसैन ओबामा टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। हेमंता विश्वकर्मा की हुसैन ओबामा पर की गई टिप्पणी से उन पर और पीएम मोदी पर महंगी पड़ सकती है। इसके साथ ही दुनिया भर में मोदी सरकार की फजीहत हो रही है।